तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भेड़िया आया की कहानी। एक बार एक लड़का था जिसके पिता ने एक दिन उससे कहा कि अब वह इतना बड़ा हो गया है कि भेड़ों की देखभाल कर सके। हर दिन वह भेड़ों को घास चरने के लिए ले जाता और उन पर निगरानी रखता। देखते ही देखते भेड़े बड़े हो गए और उनका ऊन भी घना हो गया था। परंतु वह लड़का दुखी था। वह इन उबाऊ भेड़ों पर नजर नहीं रखना चाहता था, उससे भागना था, जी भर के खेलना था। इसलिए उसने कुछ मजेदार करने का फैसला किया और एक दिन वह चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। इससे पहले कि भेड़िया किसी भेड़ को खा जाए, उसे भगाने के लिए पूरा गांव पत्थरों के साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है, तब वे उसे डांटते फटकारते हुए वहां से निकल गए कि कैसे वह उनका समय बर्बाद कर रहा था और बिना वजह से डरा भी रहा था। अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, और गांव वाले फिर से उस भेड़िए को भगाने के लिए दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लड़का उसने पैदा किए डर पर हंस रहा था और गांव वाले वहां से निकल गए और उनमें से कुछ औरों से ज्यादा क्रोधित थे। तीसरे दिन जब वह लड़का एक छोटी पहाड़ी पर गया तो उसने अचानक एक भेड़िए को अपने भेड़ों पर हमला करते देखा। वह जितना हो सके उतने जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, लेकिन इस बार कोई गांव वाला उसके भेड़ों को बचाने नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह फिर से मजाक कर रहा है। पहले बिना वजह सिर्फ भेड़िया चिल्लाने से उस दिन उसने अपने 3 भेड़े खो दी। कहानी से मिली सीख: लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहानियां न बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से जब आपको वाकई में जरूरत होगी तब आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा।